गुलबर्गा शहर में केसीडी कॉलेज के अपोजिट जब्बार फंक्शन हॉल के करीब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन डिस्ट्रिक्ट ऑफिस ओपन की गई है और इस मौके पर कांग्रेस डिस्ट्रिक्ट कमेटी के जनरल सेक्रेटरी रह चुके मोदीन पटेल एंड ग्रुप ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शमूलियत इख्तियार कर ली है। मोदीन पटेल को गुलबर्गा नॉर्थ शाहबाजार ब्लॉक का मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से प्रेसिडेंट बनाया गया है और वार्ड नंबर 14 से कॉरपोरेशन इलेक्शन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से दावेदारी कर चुके अजीम शेख को गुलबर्गा नॉर्थ यूथ प्रेसिडेंट के ओहदे से नवाजा गया है। इस प्रोग्राम में मोदीन पटेल के अलावा मिल्लत नगर के नौजवान और कुन्नूर विलेज के जिम्मेदार भी मजलिस में शमूलियत इख्तियार कर लिए हैं। अजीम शेख, मोदीन पटेल और दीगर मजलिस के नौजवानों ने अपनी जिम्मेदारी से मजलिस को मजबूत कर असेंबली इलेक्शन में नॉर्थ एमएलए कैंडिडेट जनाब इलिया सेठ बागबान को जिताने के लिए पूरी कोशिश करने का भरोसा दिलाया है। इस मौके पर गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट इकबाल अहमद शिरने फरोज, नॉर्थ एमएलए कैंडिडेट इलिया सेठ बागबान, इम्तियाज सिद्दीकी, नवाज खान और दीगर पार्टी के जिम्मेदार मौजूद थे। मैं मोदीन पटेल साहब को इस बात से मुबारकबाद देता हूं कि इन्होंने कई साल बीजेपी में काम किए और बीजेपी छोड़ने के बाद गुलबर्गे के अंदर कांग्रेस में इन्होंने 4 साल काम किया। अब उसके बाद जब नॉर्थ के कैंडिडेट इलिया सेठ बागवान साहब, कई दिन से गुलबर्गे के लोग परेशान यही थे कि यहां पे नॉर्थ के कैंडिडेट लेडीज है और तमाम हमारे मुसलमान भाई बहन को एक जैसे एमएलए चाहिए था जिसके अंदर तमाम गुलबर्गे की अवाम और नॉर्थ के कैंडिडेट इलिया सेठ बागवान साहब को AIMM से डिक्लेयर किया गया और इंशाअल्लाह ताला हमारे AIMM के 20 कॉर्पोरेटर गुलबर्गे में नॉमिनेशन डालने के बाद जिसके अंदर 8 कॉर्पोरेटर सेकंड पोजीशन पे हैं, इंशाअल्लाह ताला जरूर नॉर्थ से इलिया सेठ को हम जरूर जिता के लाएंगे और जितनी कोशिश होती है जबरदस्त कोशिश करेंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ये डिस्ट्रिक्ट का ऑफिस इफ्तिताह हुआ जिसमें कि आज 2 से 3 आदमी, ये 2-3 शख्स ज्वाइनिंग नहीं कर रहे, ये बहुत ज्यादा लोग, इसमें इनके दोस्त, इनकी फैमिली, इनका खानदान ये ज्वाइन कर रहा है। दिखाई ये देगा कि हमने एक आदमी को ज्वाइन कराया है, नहीं, उस शख्स से जुड़े हुए तमाम लोग, क्योंकि वो एक राय रखता है। ये जो ज्वाइन करने वाले लोग होते हैं ये खुद लीडर होते हैं, ऐसे लीडरों की राय को कोई लोग फॉलो करते हैं, ऐसे लोग इनके साथ जुड़ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आने वाले दिनों में इसी तरह से यहाँ पे आए हुए तमाम लोगों का भी एक जिम्मेदारी है, हर आदमी अपनी तरफ से कोशिश करे, ऐसे फर्द को न जोड़े जो सिंगल हो, ऐसे फर्द को जोड़े जो खुद में एक मुजस्मा हो। ऐसे लोगों से फायदा ये होगा कि आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं सबसे पहले तो इलिया सेठ सर को मुबारकबाद देती हूँ कि इतने हमारे अपने भाई जो यहाँ पर आज आए हैं, ये हमारी जीत का आज ही ऐलान है। और मैं इकबाल भाई को मुबारकबाद देती हूँ प्रेसिडेंट ऑफ AIMIM गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के लिए, और इम्तियाज सिद्दीकी साहब, खान साहब, मोदीन पटेल साहब, आजम भाई और सारे भाई लोग जो यहाँ बैठे हैं, अबू साहब, सबको मैं मुबारकबाद देती हूँ कि इतने सब लोग जो यहाँ पे हम लोग आज नज़र आ रहे हैं, तो इंशाअल्लाह आगे जीत हमारी ही होगी। और ये जो हालात हैं ये तो एक छोटी सी हमको आज चंद लोग हम नज़र आ रहे हैं, पर मुझे बहुत ज़्यादा यकीन है अल्लाह सुब्हान तआला पर कि बहुत जल्द ये चंद लोग हजारों और लाखों में नजर आने वाले। सालों साल अपनी जो है ना जो कोशिश थी कांग्रेस को जिताने की, कांग्रेस को आगे बढ़ाने की, आज वो लोग अगर छोड़ के MIM अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो समझने वाली बात है कि देश जो है ना बहुत ही बुरी संकट से गुजर रहा है और मुसलमानों को एकजुट होना है, यही जो है ना ख्याल है कि जो है ना आज हमसे जो है ना हमारे दोस्त जो कांग्रेस और दूसरे पार्टियों से हटके आज ही MIM ज्वाइन कर रहे हैं। इकबाल साहब को जरूरत नहीं थी कि सदर बनना
और जो है मैं MIM के लिए कुछ करना, मैं तो 40 से 50 साल कांग्रेसी हूँ, मगर अल्लाह ताला ने उनको जो है ना दिलों को फेर दिया, उनकी समझ को फेर दिया, MIM ज्वाइन करे और लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कि खाली मोदी पटेल ही नहीं है जैनिंग में, और भी जो है ना लोग हैं जो मिल्लत नगर से आए हैं, चितापुर से मैं समझते एक दो लोग आए हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी ताकत है। आज का ये इजलास बहुत ही अहमियत का हामिल है, वो इसलिए कि यहाँ पर जितने भी लोग आए हुए हैं मैं उनसे बाखूबी वाकिफ़ हूँ, वो सभी लोग कौम और मिल्लत की फ़िक्र लेकर यहाँ पर आए हैं। एक काबिल मुबारकबाद हैं हमारे एलिया शेठ साहब, जो हमारे दरमियान यहाँ पर उनकी सरपरस्ती में ये गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक कौमी और मिल्ली यानी काम यहाँ पर जो हो रहा है पार्टी के लेवल पे, MIM के प्लेटफॉर्म से जो एलिया शेठ साहब ने जो कदम उठाया है, ये काबिल मुबारकबाद है। ये डिस्ट्रिक्ट ऑफिस का इनॉग्रेशन रिंग रोड KCD के सामने ये ऑफिस बना है हमारा, आज उसका जो पहला दिन है। और जो है हमारे जो है मोदीन पटेल साहब, ये ख़ास मकसद यहाँ पर हम जमा होने का ये भी है, ऑफिस की ओपनिंग भी हो रही है, और साथ ही साथ मोहिद्दीन पटेल साहब जो है आप जो है यहाँ पर जो हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है, और वो बहुत ही संगठनों से बहुत ही जो है ऑर्गेनाइजेशन से जो है वाकई वो जुड़े हुए थे, और बहुत जो है सोशल वर्कर, बहुत ही सोशल एक्टिविटीज़ वो हमेशा से करते आ रहे हैं, काफ़ी जो है तजुर्बा रखते हैं। आज हम उनको वेलकम करता हूँ, मैं खुश आमदीद करता हूँ मैं अपनी पार्टी के अंदर एज ए डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के एसएस से, वो आज वो ज्वाइन भी हो रहे हैं। और उसके साथ साथ उनका एक दूसरा ऐलान भी मैं ये करना चाहता हूँ कि आज जो है शाहबाजार ब्लॉक का आपको अध्यक्ष बनाया जा रहा है, प्रेसिडेंट बनाया जा रहा है, शाहबाजार के जो है आप ब्लॉक के जो है प्रेसिडेंट रहेंगे, उनके उनकी यानी उनके रेंज जो होगा उनके ब्लॉक का शाहबाजार का, वो बाखूबी अच्छी तरह वाकिफ हैं कि वहाँ कितने वोटर्स हैं, कितने वार्ड आते हैं और उनको क्या करना चाहिए, बाखूबी वो बहुत अच्छी तरीके से वो अपने तजुर्बे के अतबार से वो काम कैसे करना वो जानते हैं। तो उन्हें जो है बहुत ही सोच समझ कर उन्हें जो है ये ऐलान किया जाता है कि वो हमारे जो है गुलबर्गा जो है शाहबाजार नॉर्थ शाहबाजार ब्लॉक के जो है वो सदर जो है मुंतखब, आज की डेट में घोषणा करता हूँ मैं और उनको ऐलान कर देता हूँ, अभी उनकी गुलपोशी होगी। और दूसरी और एक शख्सियत कि हमारे जो है वार्ड नंबर 14 से अजीम शेख की शख्सियत से बाखूबी सभी गुलबर्गा के जो नौजवान या सभी लोग वाकिफ़ हैं, वो वार्ड नंबर 14 से वो भी जो है कॉन्टेस्ट किए थे, तो उन्हें भी जो है एक जिम्मेदारी दी जा रही है पार्टी की, है ना। ऐसा नहीं है कि आपको हम ऐलान कर दिए गुलपोशी कर लेना है उसके बाद हम चले जाना है, ये नहीं है, बल्कि वो जिम्मेदारी कबूल कर रहे हैं कि पार्टी के लिए क्या करना चाहिए और क्या करना चाहिए और मुझे कैसे आगे बढ़ना चाहिए, पार्टी को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए, वो जिम्मेदारी कबूल करने के बाद हम बातचीत के बाद ऐलान किए हैं। वैसे ही अजीम शेख साहब भी जो है इनकी शख्सियत से पूरे नौजवान या शहर के लोग सभी वाकिफ़ हैं, बहुत ही जो है हरकती जो है शख्सियत हैं, कोविड के अंदर जो है बहुत ही काम किए हैं और ये इस बार इलेक्शन में बैठे रहे थे, इलेक्शन है आना जीतना एक अलग बात है, लेकिन आज उन्हें जो है हम अपनी पार्टी की तरफ से हम जो है मैं ऐलान करता हूँ एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, वो सिटी के जो है नॉर्थ के जो है सिटी प्रेसिडेंट रहेंगे, आज उनका ऐलान करता हूँ नॉर्थ के जो है सिटी के जो है आज जो है उनके प्रेसिडेंट के SSC उनका भी नाम मैं डिक्लेयर करता हूँ। दूसरा ये दो नाम हमें करना था, उसके बाद मोदी साहब की भी जो है वहाँ की ब्लॉक की एक बॉडी बनेगी, उन्होंने जो अपने तौर पर जो है नायब सदर सदर और उसके साथ जो भी अराकीन होंगे वो उनकी जिम्मेदारी होगी कि वो अपनी बॉडी को फॉर्म करें जल्द से जल्द, और उनकी भी बहुत खुशी होगी। और अजीम शेख साहब जो है सिटी के अंदर जो है आप अपनी जो है हम आपको ये हिदायत दे रहे हैं, समझिए कि आपको जो मशवरा दे रहे हैं कि आप जो है अपनी टीम को आप तैयार कीजिए कि आपके साथ जो है कौन डिस्ट्रिक्ट आप प्रेसिडेंट तो आप हो गए, नायब सदर कौन रहेंगे, जनरल सेक्रेटरी कितने रहेंगे, अब एक टीम तैयार करके आ रहा है, तो उनका एक बात में इस तरह से और एक फंक्शन होगा। सबसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करता हूँ, साथ ही साथ कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ,
गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जनाब इकबाल साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। गुलबर्गा नॉर्थ अपकमिंग MLA कैंडिडेट जनाब इलिया सेठ बागवान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने आज मुझे एक जिम्मेदारी दी है, गुलबर्गा सिटी नॉर्थ यूथ प्रेसिडेंट बनाया है। मैं जो भरोसा मुझ पर मेरे सदर और मेरे MLA कैंडिडेट ने जो मुझ पर जताया, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि उस भरोसे पर खरा उतरूँ। जितनी भी जिम्मेदारी मुझे एक कार्यकर्ता के तौर पे दी गई थी, इंशाल्लाह मैं सोचता हूँ मैंने उसको बाखूबी पूरा किया है। और आज जो मुझे यूथ प्रेसिडेंट बनाया गया है, इंशाल्लाह मैं आने वाले दिनों में भी इस जिम्मेदारी को भी उसी तरीके से पूरी करने की कोशिश करूँगा। अगर कहीं मुझसे चूक होती है तो मेरे सीनियर मेरे साथ में मौजूद है, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि कहीं मैं रास्ता अगर भटक जाऊँ तो मुझे उसी तरीके से गाइड कीजिएगा। मैं इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी जिस तरीके से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करने के लिए जितना मुझसे हो सके उतना मैं उसी तरीके से उसी जोश और जज्बे से काम करूँगा। और आने वाले दिनों में जितने भी लोग आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शमूलियत इख्तियार किए हैं, मेरे दोस्त जाफर साहब हैं, मोदिन पटेल साहब हैं, खुद्दूस पटेल साहब हैं, आए दिन हम देख रहे हैं कि हमारी फैमिली में आए दिन इजाफा हो रहा है, लोग हमसे जुड़ रहे हैं। मैं इस पर भी फोकस करूंगा कि जितना ज़्यादा हो सके उतना लोगों को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में जोड़ूँ। मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं ये पार्टी में ज्वाइनिंग हो गया हूँ। मैं सभी को भी पहली बात मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि ये पार्टी में मुझे आप लोगों ने ज्वाइनिंग कर लिया। अभी अभी हमारे जो सिटी प्रेसिडेंट चुने गए अजीम साहब कांग्रेस पार्टी छोड़कर आने का मकसद यह है कि कांग्रेस बीजेपी क्या है मालूम है, डायरेक्ट सामने डराती बीजेपी, कांग्रेस पीछे से डराती सर, दोनों एक ही छे, दूसरा क्या भी नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ जो गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट जो हमारे 9 असेंबली मतक्षेत्र जो है यहाँ पर इंशाल्लाह सब जगह हमारे कैंडिडेट इंशाल्लाह MIM के तरफ से डालेंगे। और जो मुझे आज शाहबाजार ब्लॉक के जो प्रेसिडेंट बनाया गया, इंशाल्लाह जितने हमारे 15 वार्ड हैं, 15 वार्ड में इंशाल्लाह मैं वार्ड कमेटी भी बनाऊंगा, इंशाल्लाह बूथ कमेटी भी बनाऊंगा। और पूरे क्या है मालूम है, वहाँ पर मेरे पूरी जो जितनी बॉडी है हमारी 30-35 लोगों की, वो बॉडी भी मैं पूरी बना लूँगा इंशाल्लाह। ये जितने भी हमारे सीनियर्स है MIM में, जो भी सलाह मशवरा अगर मुझे अगर देना चाहती तो मैं इंशाल्लाह वो सलाह मशवरे पे मैं काम करूँगा। और मेरे एक साथी हमारे भाई जो खुद्दूस पटेल साहब कुन्नूर, इन्होंने मेरे साथ ज्वाइनिंग हुआ है, इंशाल्लाह अभी एक 4 या 5 दिन में कुन्नूर में एक बेहतरीन बड़ा प्रोग्राम करने का प्लान है। वहाँ पर जो डिफीट ग्राम पंचायत मेम्बर्स है, जो पहले पंचायत मेम्बर्स थे वहाँ पर, जो इंगड़गी कुन्नूर गोला चामनूर जो वाड़ी के करीब जो 4-5 गांव हैं, वो 4-5 गांव मिलाकर एक प्रोग्राम करना है हमारे बड़ा। वो लोग क्या है मतलब आके अभी हमारे सेठ साहब से मिल के गए, वो लोग क्या है मतलब एक डेट देते हूँ बोले, एक बेहतरीन बड़ा प्रोग्राम करके वहाँ से भी एक हमको एक अच्छा कैंडिडेट इंशाल्लाह अगर लाएंगे तो क्या मालूम वहाँ की भी सीट हम जीत सकते। और मेरे साथ जो ज्वाइनिंग हुए मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ और उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तहे दिल से। तक है मैं खुद्दूस पटेल कुन्नूर से आज ज्वाइन हुआ हूँ MIM में, हमारे इलिया सेठ के नज़र में। और इंशाल्लाह कुन्नूर में बहुत बड़ा फंक्शन रखने वाले हैं हम, और सब लोगों को आज मैं इस बात की दावा दे रहा हूँ इंशाल्लाह 4-5 दिन में इसका। मैं जनाब मोदिन पटेल साहब को मुबारकबाद देता हूँ और इनका इस्तकबाल करता हूँ जो आज MIM ज्वाइन हुए हैं। पहले आप BJP में थे, बाद में फिर कांग्रेस में थे, तो अभी आप MIM में हैं इंशाल्लाह। अब यहीं पर रह के आप काम करते रहेंगे इंशाल्लाह। और जनाब हमारे अजीम साहब को आज जो है गुलबर्गा सिटी नॉर्थ के यूथ के प्रेसिडेंट आपको आज अनाउंस किए हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि जनाब अजीम शेख साहब बखूबी जो है ये जिम्मेदारी को निभाएंगे और अच्छा काम करेंगे इंशाल्लाह, और जमात को पार्टी को खूब मजबूत करेंगे। और एक जो है हमारे पटेल साहब कुन्नू से आए हुए हैं खुद्दूस साहब, मैं इन्हें भी दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं कि आप भी चितापुर तालुके में वहां पे भी जमात को पार्टी को मजबूत करेंगे।
और वहाँ पे भी जो है एक हफ्ते के बाद एक बहुत बड़ी ज्वाइनिंग होने वाली है इंगड़गी में और कुन्नूर में। इंशाल्लाह हम सब वहाँ पहुँचेंगे। हम चाहते हैं कि गुलबर्गा ज़िले में जो 8 या 9 सीट हैं इसमें 4-5 भी हम जीतेंगे इंशाल्लाह। और ऐसी कोई नाउम्मीदी की बात नहीं है कि हम MIM से कैसा जीतेंगे, नहीं ज़रूर जीतेंगे इंशाल्लाह। हमारे साथ में हर कौम के लोग जुड़ेंगे, क्योंकि जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब जो हिंदुस्तान के अंदर जो हक़ की आवाज़ और जो मज़लूमों के ख़िलाफ़ जो बात करते हैं, जो ज़ालिमों के ख़िलाफ़, तो आज की तारीख में हिंदुस्तान में हर कौम इनके साथ जुड़ने के लिए तैयार है। लेकिन वक्त का इंतज़ार कीजिए इंशाल्लाह। आज जो AIMYM के ऑफिस में जॉइनिंग प्रोग्राम रखा गया था इकबाल अहमद शिरनी फरोज साहब की सदारत में और इलियास सेठ साहब की हिदायत पर, अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत सक्सेसफुल रहा। और मैं मोदीन साहब को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूं। और साथ ही साथ आज ऐसा लग रहा है कि गुलबर्गा शहर की पटेल बिरादरी MIM ज्वाइन की है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी पटेल हूं, हमारे आदम पटेल साहब भी पटेल हैं और मोदीन साहब पटेल हैं और हमारे खुद्दूस पटेल साहब हैं और सिराज पटेल साहब हैं, जाफ़र पटेल साहब हैं, इलियास पटेल साहब हैं, तो बहुत सारे, मैं ऐसा दिख रहा है कि पूरी पटेल बिरादरी जितनी गुलबर्गा शहर की है वो पूरी MIM में आज यहाँ पर है। तो मैं और जितने भी हमारे पटेल बिरादरी के लोग हैं मैं उनको दावत देता हूँ कि वो भी MIM में आएँ, इलियास शेर साहब के हाथ मजबूत करें और असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथ मजबूत करें। और इस इजलास में जो लोग भी शरीक हुए हैं मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। एक अच्छी सोच के साथ मोदीन पटेल साहब इलियास सेठ बाघवान साहब की क़यादत को मजबूत करने के लिए हमारे दफ्तर पहुंचकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल हुए हैं। मैं दिल के गहराइयों से उनका वेलकम करता हूं पार्टी में और उन्हें मुबारकबाद भी देता हूं। साथ ही साथ हमारे साथी और मेरे छोटे भाई अब्दुल अजीम साहब जो बड़े ही हरकती शख्सियत हैं, हर मामले में शहर के आगे आगे रहते हैं, तो उन्होंने भी गुलबर्गा नॉर्थ का यूथ का AIMYM का यूथ प्रेसिडेंट नॉर्थ का बनाया गया है। मैं उनको भी मेरी तरफ से मुबारकबाद देता हूं और हमारी पूरी टीम की तरफ से उन्हें मुबारकबाद देता हूं। और उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से MIM की जो शोहरत शहर गुलबर्गा में धूम मचाई है, ये सिर्फ़ और सिर्फ इलियास सेठ बाघवान साहब की क़यादत को मजबूत करने के लिए और शहर की तरक्की को डेवलप करने के लिए, ये उनकी क़यादत को मजबूत करने और आगे आने वाले मुस्तकबिल में जो MLA इलेक्शन आने वाला है उसमें उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब करने के लिए तमाम लोग हमारे बीच पहुँच कर आपकी क़यादत को मजबूत कर रहे हैं। और साथ ही साथ हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब, जब से डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का अहदा संभाला है तो रोज़ बरोज़ MIM में ज्वाइनिंग के प्रोग्राम हो रहे हैं, बहुत सारे डेवलपमेंट्स के प्रोग्राम हो रहे हैं। मैं उन्हें भी मुबारकबाद।